दबंगी का जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां एक महिला को कुत्ते को बचाना इतना महंगा पड़ गया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ कुत्ते के भौंकने और उसे शांत करने को लेकर दबंगों ने एक महिला को गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पे एक लड़का जो सुमित यादव, वो मतलब आया है, बंदूक उसके साथ में थी, नशे में था और उसने फरार किया। उसमें एक महिला की गोली लगी है जो सरफी देवी नाम है जिनका, और वो महिला एक्सपायर हो गई और जो उनकी बहू है वो घायल है। अब ये कारण नहीं बताया जा सकता क्या कारण है। कुल मिला के जब उसने फायर किया, ग्रामीण उसके पीछे भागे, जब उसको पकड़ा, बंदूक बरामद हुई है, मोटरसाइकिल भी है, बंदूक है, तो वो किसको दे दी? पुलिस को दे दी है। पुलिस को दे दी है। घटना जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की चितावली क्षेत्र की है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के कुत्ते का शराबियों पर भौंकना इतना महंगा पड़ा कि उसकी उन्हीं दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला अपने कुत्ते के साथ अपने घर के बाहर टहल रही थी। महिला का कुत्ता इन लोगों को देखकर भौंकने लगा। दबंगों ने महिला से कुत्ते को शांत कराने को कहा, कुत्ता शांत नहीं हुआ। फिर क्या था, कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद बढ़ता गया और दो लोगों ने महिला पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। क्यों गोली मार दी? कोई कारण ना है। क्यों, क्या रहा? बंदूक मारी, बंदूक मारी थी, एक गोली मैंने नहीं मारी। वहीं इस बारे में पुलिस की मानी जाए तो दोनों आरोपी मृतक के घर के पास ही जा रहे थे। कुत्ते के भौंकने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और आरोपी युवक ने अपने पिता की बंदूक से महिला को गोली चला दी। महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस कुत्ते को लेकर ही महिला की हत्या की बात कह रही है। तावली में रात के करीब 11 बजे एक प्रमोद कटेरिया के घर में प्रमोद और सुमित नामक लड़कों ने दारू पी। उसके बाद जैसे ही निकले, सामने अशक्ति देवी का मकान है, कुत्ते भूकने के लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई। वैसे सुमित ने अपने पिता की बंदूक से तो गोली चला दी जो उसके दोनों पैरों में लगी। घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जा रहे थे। जिला अस्पताल पहुंचने के पहले उसकी मृत्यु हो गई है। नामजद एफआईआर हुई है। दोनों आरोपी सुमित और प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त बंदूक बरामद कर ली गई है। सुना है एक आध छर्रा किसी और पारिवारिक जन के लगा है, वो सामान्य है, उसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया। ऐसा लगा है दारू के नशे में ही ये हुआ है, सिर्फ कारण नहीं है क्योंकि मृतिका वहाँ लेटी हुई थी। कुत्ता भूकने पर लोगों ने कहा कुत्ते को गोली मार देंगे। ए एन जी न्यूज ब्यूरो के लिए फिरोजाबाद से राहुल चौहान के साथ लवकुश शर्मा।